जीवन है, लेकिन जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वहां की तस्वीरें कुछ अलग ही है, क्योंकि ये जल जानलेवा है। जी हाँ, नागपुर के रामेश्वरी परिसर के नागरिकों के पीने के पानी में इल्लियां आ रही है। चौंका देने वाला इस मामले का वीडियो एनबीसी न्यूज को प्राप्त हुआ है। कहने को तो नागपुर शहर में विकास कार्य बड़े जोरों शोरों से शुरू है, लेकिन जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो साफ तौर पर इस बात को झुठलाते हुए दिख रही है। नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर शासन प्रशासन कितना जागरूक है, ये इस बात का सबूत दे रही है। नागपुर शहर के रामेश्वरी परिसर के पार्वती नगर से एक वीडियो एनबीसी न्यूज को प्राप्त हुआ है, जिसमें 75 वर्षीय शकुंतला बाई हाथगड़ी, रंजना देशमुख, पारदीताई और अन्य नागरिकों ने बोतल में पानी लेकर दिखाया है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी इल्लियां दुर्गंध आ रही है। पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इतने सालों में पहली बार इस तरह का अनुभव किया है। इस बारे में संबंधित विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। पीने के पानी में इल्लियों के आने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सवाल तो यह है कि अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, हर कोई यह पानी पी रहा है। संबंधित विभाग को इस और गौर करने की जरूरत है। रामेश्वरी परिसर में नागरिक एक ही नहीं अनेक समस्याओं से गुजर रहे हैं। हाल ही में जियो की भूमिगत केबल लाइन डालने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए। इस दौरान उस जगह हाई टेंशन लाइन ब्रेक हो गई, जिससे नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव मनीष चांदेकर ने स्वयं जाकर गड्ढा बुझवाया ताकि कल को कोई दुर्घटना ना हो सके। इस वक्त उनके साथ प्रवीण आमटे, मंगेश शाहू, समीर अली, अतुल देशमुख, पवन हाथगड़े, अनिल भोयर, प्रतीक यवलकर, माधुरी शेंडे, अन्ना ठाकरे आदि मौजूद थे। पहले कपड़े पे पूरा डश आता है, डश इतना गंदा वो डश रहता है कि वो कपड़े धोने की भी हिम्मत नहीं होती। कम्प्लेंट कुठे केली? ऊपर भी किया और यहाँ पे भी किया, वो अभी खोदकाम चालू। OCW मध्ये केली का? हो, मेन वो आकार नंबर वगैरे मांगते ना। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज़।